आज इस वीडियो में हम लोग कहरामा इलेक्ट्रिसिटी गाइडलाइंस रूल्स एंड रेगुलेशन के बारे में जानेंगे और समझेंगे। तो ये वीडियो इलेक्ट्रिशियन और इलेक्ट्रिकल सुपरवाइज़र के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एग्ज़ाम में पास करने के लिए इन सब चीज़ों की जानकारी होनी ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम लोग इसकी गाइडलाइंस की बात कर लेते हैं कि ये जो कहरामा की जो गाइडलाइंस है ये कौन कौन से एरियाज़ पे अप्लीकेबल है, मीन्स किस किस एरियाज़ पे अप्लाई होता है। तो कतर के अंदर अगर डोमेस्टिक प्रीमाइसेस है तो उसके अंदर भी हमें कहरामा का जो रूल्स रेगुलेशंस है उसको फॉलो करना है। उसके बाद शॉप्स है, उस पर भी हमारा अप्लाई होता है। ऑफिसेस, जितनी भी सारी ऑफिसेस हैं उन सारे ऑफिसेस में भी हमें कहरामा का रूल्स फॉलो करना है। वेयर हाउस में भी फॉलो करना है। फिफ्थ में है होटल्स, सिक्स में है कॉम्प्लेक्सेस, कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस, सेवन्थ में है पब्लिक बिल्डिंग, एट में है पार्क, नाइन में है टेम्पररी इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस, टेन में है वर्कशॉप फैक्ट्रीज। इन सब जगहों पे हमें कहरामा की जो गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग इंस्टॉलेशन और टेस्टिंग और जो भी सारी प्रोसीजर्स है कहरामा के अकॉर्डिंग हमें करनी पड़ेंगी। उसके बाद कुछ एरियाज ऐसे भी हैं जो जहाँ पे ये कहरामा रूल्स और रेगुलेशन फॉलो नहीं होती है, जैसे कि एक्सेप्शंस, जैसे कि एयरक्राफ्ट, सेकेंड में इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन इक्विपमेंट, इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन इक्विपमेंट, थर्ड में जैसे कि मोटर व्हीकल, फोर्थ में लाइक ऑफशोर इंस्टॉलेशंस, फिफ्थ में माइंस एंड क्वेरीज, माइंस में। उसके बाद जैसा कि आप रेडियो, टेलीकम्युनिकेशन, कम्युनिकेशंस, इन सब चीज़ों पे कहरामा की जो गाइडलाइन है वो अप्लाई नहीं होती है। ओके, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्लाइमेट कंडीशन इन स्टेट ऑफ कतर। तो जो हमारा पहला पॉइंट है मैक्सिमम सन रेडिएशन टेम्परेचर, ये जो है 84 डिग्री सेल्सियस है। मैक्सिमम एम्बिएंट टेम्परेचर, ये हमारा अब तक का जो रिकॉर्डेड है 52 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था। एवरेज मैक्सिमम एम्बिएंट टेम्परेचर, ये अराउंड 45 डिग्री सेल्सियस के अराउंड आया है। मिनिमम एम्बिएंट टेम्परेचर इन विंटर, तो ये जीरो से कभी भी नीचे नहीं गया है। मैक्सिमम ग्राउंड टेम्परेचर, मैक्सिमम ग्राउंड टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस इन डेप्थ ऑफ 1 मीटर। मैक्सिमम सी वाटर टेम्परेचर अराउंड 40 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था। ओके, देन सेवेंथ में है एटमॉस्फेयर इज सेल्ट लैडन एंड कोरोसिव, ओके डस्टी एल्सो। ओके, देन द नेक्स्ट आवर टॉपिक इज डिक्लेयर्ड वोल्टेज फॉर स्टेट ऑफ कतर। कतर में वोल्टेज की क्या रेटिंग है इस वीडियो में जानेंगे। तो रेटेड वोल्टेज की बात करें तो कतर की जो रेटेड वोल्टेज है वो है सिंगल फेज की 240 वोल्ट एसी, और जो थ्री फेज की है 415 वोल्ट, और जो वोल्टेज ड्रॉप है वो अराउंड 6% प्लस माइनस अलाउबल है। यहाँ की जो वायरिंग है
थ्री फेज फोर वायर सिस्टम मीन्स वन न्यूट्रल। न्यूट्रल यहाँ की जो है वो सॉलिडली अर्थेड। इसका मीनिंग ये हुआ कि जो यहाँ की जो न्यूट्रल है वो ट्रांसफार्मर की जो न्यूट्रल है वो ग्राउंड के साथ अर्थेड है। फॉल्ट लेवल की बात करें तो यहाँ की जो फॉल्ट लेवल है वो 31 MVA एट थ्री फेज मीन्स 450 वोल्ट। ये कहाँ तक की है? LB साइड की है, LB पैनल साइड। और इसकी शॉर्ट सर्किट करंट की बात करें तो LB पैनल साइड अराउंड 44 किलो एम्पियर आएंगी। अगर SMDB साइड की बात करें तो 25 किलो एम्पियर, और DB वाले साइड की बात करें तो मैक्सिमम 12 किलो एम्पियर होना चाहिए। ये फॉल्ट लेवल है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि हो सकता है एग्ज़ाम में ये पूछा जाएगा। ओके, हमारा नेक्स्ट है मेन्स फ्रीक्वेंसी। मेन यहाँ की फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज है। इट मीन्स जो हमारी अल्टरनेटिंग करंट है वो उसकी जो डायरेक्शन है वो चेंज होती है 50 टाइम्स इन वन सेकेंड। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वोल्टेज क्लैरिफिकेशन। जैसा कि आपने सुना होगा ELV का फुल फॉर्म होता है एक्स्ट्रा लो वोल्टेज। दूसरा में LV, इसको लो वोल्टेज बोला जाता है। तीसरा MV, इसका मतलब हुआ मीडियम वोल्टेज। फोर्थ में HB, इसका मतलब यह हुआ हाई वोल्टेज। फिफ्थ में EHV का क्या मीनिंग हुआ? एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज। ओके, तो ये कौन कौन सी रेंज में आती है इसके बारे में देख लेते हैं। तो जो ELV है वो उसकी जो वोल्टेज रेंज है वो 25 वोल्ट से नीचे। अगर कोई भी वायरिंग या भी जो भी पैनल्स है जो 25 वोल्ट से नीचे आती है वो ELV में आएगी। लो वोल्टेज में आएगी कौन सी? जो 25 वोल्ट से ऊपर और 1 किलो वोल्ट तक, ये लो वोल्टेज LV में आएगी। तो जनरली जो यहाँ की जो MEP कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर, उनकी जो सर्टिफिकेशन होती है 1 किलो वोल्ट तक की होती है। ओके, उसके बाद जिसे LV कॉन्ट्रैक्टर भी बोलते हैं। यहाँ पे MV मीडियम वोल्टेज की रेंज क्या है? ये 1 किलो वोल्ट से लेकर मैक्सिमम 33 किलो वोल्ट तक आएगी। HV की बात कर लेते हैं, HV की रेंज क्या होगी? 33 kV से लेकर 132 किलो वोल्ट तक आएगी। EHV की बात करें एक्स्ट्रा ही वोल्टेज की, तो इसकी रेंज जो है वो 132 किलो वोल्ट से ऊपर आएगी। तो ये हमारा वोल्टेज क्लैरिफिकेशन हो गया, क्लासिफिकेशन, कि हमारी जो ELV, LV, MV, HV, EHV इसकी वोल्टेज रेंज कितनी होती है। तो हम लोग बात करेंगे LV लो वोल्टेज पे, ये वाले रेंज की बात करेंगे। ओके, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रिकल डायग्राम सिंबल्स। हम अपने ड्राइंग्स के अंदर, इलेक्ट्रिकल ड्राइंग्स के अंदर जब हम लेजेंड यूज करते हैं तो
कहरामा की तरफ से कुछ सिंबल्स दिए हुए हैं, इसको फॉलो करना चाहिए। तो हमारा फर्स्ट जो ये सिंबल जो दिख रहा है, ये एक स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, उसके बाद ये इस तरह से अंदर रेक्टेंगल हाइलाइटेड है, शेड बना हुआ है। तो ये जो सिंबल यूज करते हैं एमडीबी के लिए यूज करते हैं, एमडीबी का फुल फॉर्म क्या हुआ, मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। ये एक तरह का पैनल है, एमएलबी पैनल भी बोल सकते हैं, या फिर जो हायर कैपेसिटी की जो करंट पास होती है वो एमडीबी से होते हुए फिर वो एसएमडीबी में आती है। ये जो सिंबल है एसएमडीबी की है, सब मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। ये जो सिंबल है ये डीबी की है, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। ये तीनों की जो करेंट की रेंजेज है, इसकी रेंजेज अगर आप डोमेस्टिक यूज करते हैं तो 400 एम्पियर इनकमर के साथ आप एमडीबी यूज कर सकते हैं, या फिर आप अगर 1000 है, या फिर इस अगर कमर्शियल बिल्डिंग के लिए यूज कर रहे हैं तो 630 एम्पियर थ्री फेज, ओके, या फिर इससे हायर करंट में जाते हैं तो आपको एयर सर्किट ब्रेकर यूज करना है और वो एलबी पैनल में आएगी, एलबी पैनल, पैनल्स मोर देन 630 एम्पियर, ओके। और जो एसएमडीबी है उसकी जो करंट रेंज है वो 400 तक आप ले सकते हैं, और स्टार्ट कहाँ से होती है तो आप 100 एम्पियर से भी स्टार्ट कर सकते हैं, 63 एम्पियर से भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन जो डीबी की मैक्सिमम जो रेंज है वो 125 एम्पियर तक ही है, इसके बाद आपको एसएमडीबी यूज करना चाहिए। तो मैक्सिमम करंट लोड डीबी की कितनी होती है, 125, इससे ज़्यादा लोड है तो एसएमडीबी यूज करते हैं। एसएमडीबी को हम 630 तक हम यूज कर सकते हैं, 630 एम्पियर या 400 एम्पियर, और एमडीबी को भी हम 250, 200, 300, 400 एम्पियर, 630 तक हम यूज कर सकते हैं एमडीबी को। इससे ज़्यादा करंट है तो फिर हमें एलबी पैनल्स में जानी है, ओके, इट्स क्लियर। एमबी पैनल, एलबी पैनल या एमएलबी पैनल में हम लोग एयर सर्किट ब्रेकर का यूज करते हैं, एमडीबी में एमसीसीबी का, एसएमडीबी में एमसीसीबी का, डीबी में हम लोग एमसीबी यूज करते हैं या ईएलसीबी। ये जो सिंबल है ये एयर सर्किट ब्रेकर का, एयर सर्किट ब्रेकर, ये वाला जो सिंबल है ये है एमसीसीबी का, इसका शॉर्ट में एसीबी बोलते हैं, एमसीसीबी, इसका मतलब ये हुआ मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर। ये वाला जो सिंबल है ये एमसीबी के लिए होता है, जिसे बोलते हैं मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, सर्किट ब्रेकर। 7 नंबर में है ये वाला सिंबल, ये भी सेम इसी तरह है लेकिन इसमें ग्राउंड किया हुआ है, अर्थ किया हुआ है, इसका मतलब हुआ ईएलसीबी है, ये ईएलसीबी जिसको बोलते हैं अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। इन सब चीज़ों में क्या डिफरेंस है, एयर सर्किट ब्रेकर है वो एलबी पैनल में यूज करते हैं, जो 630 एम्पियर से ऊपर का लोड है उसमें एसीबी ही यूज कर सकते हैं, एमसीबी यूज नहीं करेंगे। एमसीसीबी है ये बड़ा साइज का होता है, जिसे एसएमडीबी में यूज करते हैं, एसएमडीबी में, ओके। एमसीबी जो है वो छोटा टाइप का ब्रेकर होता है जो हम लोग यूज करते हैं डीबी में, डीबी में एमसीबी यूज करते हैं।
और डीबी में ईएलसीबी ब्रेकर यूज करते हैं। ईएलसीबी और एमसीबी में क्या डिफरेंस है कि एक्चुअली जो ब्रेकर लगाते हैं हम लोग किस वजह से लगाते हैं, ओवरलोड प्रोटेक्शन के लिए लगाते हैं, शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन के लिए लगाते हैं। तो ओवरलोड या शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन उसके लिए हम एमसीबी लगाते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा प्रोटेक्शन इसमें होता है इसलिए क्योंकि अगर कोई ह्यूमन टच हुआ या फिर अर्थ लीकेज हुआ, इसका नाम ही है अर्थ लीकेज, मीन्स जो हमारी जो सर्किट बन रही है या सॉकेट या जो भी वेट एरियाज है उसमें हम लोग ईएलसीबी यूज करते हैं, क्योंकि अगर वहाँ पे थोड़ा सा भी अगर अर्थ लीकेज हुआ या ह्यूमन टच हुआ या कोई जो मशीनरी है, कोई अप्लाइंसेस है, उसकी जो बॉडी में अगर कोई भी न्यूट्रल या फेज टच हुआ तो ये ऑटोमेटिकली ब्रेकर ट्रिप हो जाएगा। तो ये प्रोटेक्शन के लिए यूज करते हैं ईएलसीबी ब्रेकर। उसके बाद एट में है ये वाला जो सिंबल है ये फ्यूज फ्यूज के लिए है। ये वाला सिंबल हम लोग यूज करते हैं किसके लिए, लिंक के लिए। जैसे कोई बॉन्डेड है या लिंक है, कनेक्टेड है, उसके लिए ये वाला सिंबल यूज करते हैं। उसके बाद ये देखिए, इस तरह की एक लाइन है, राउंड है, एम है, ये है हमारा एनर्जी मीटर, एनर्जी मीटर, इसको किलो वाट एच मीटर भी बोलते हैं, KWH मीटर, किलो वाट आवर मीटर बोलते हैं। अच्छा, इसमें इस तरह की कॉइल लगी हुई है तो ये सीटी ऑपरेटेड हो गया, सीटी ऑपरेटेड, KWH मीटर। ये दोनों कतर में यूज होती है, लेकिन जो एनर्जी मीटर नॉर्मल वाला एनर्जी मीटर है जो डायरेक्ट कनेक्टेड रहता है इन और आउट जो मेन सप्लाई है उससे, तो इसकी जो मैक्सिमम रेंज है वो 100 एम्पियर तक की है, 3 फेज। इससे ज़्यादा लोड है तो फिर आपको सीटी ऑपरेटेड KWH मीटर इंस्टॉल करना है। ये जो लाइन जो दिया हुआ है सर्किट के लिए यूज करते हैं, सर्किट को शो करने के लिए कि कितने सारे सॉकेट्स या जो लाइट्स हैं या दूसरी चीज़ें हैं कनेक्टेड है। तो अगर इस तरह की लाइन दी हुई है तो उसका एक ही स्विच कंट्रोल होगा, स्विच कंट्रोल ओनली वन। लेकिन उसी सर्किट में अगर डॉट डॉट है तो इसकी दूसरी स्विचिंग होगी, मीन्स एक ही सर्किट में दो स्विच है तो दोनों स्विच के बीच की जो सर्किट लाइन होगी उसको डॉट 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 से हम लोग डिनोट करेंगे। तो ये इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ स्विचिंग, स्विचिंग कंट्रोल द सेम सर्किट। ओके, ये जो सिंपल है ये 13 एम्पियर सॉकेट के लिए यूज करते हैं, सॉकेट आउटलेट के लिए, सॉकेट आउटलेट। अगर इसी में अगर हम डबल लगा देते हैं ऐसे तो ये क्या हो जाएगा, डबल सॉकेट, डबल स्विच सॉकेट, स्विच सॉकेट इस तरह से। उसके बाद ये वाला जो सिंबल है इस, या तो 15 एम्पियर सॉकेट भी बोल सकते हैं या डीपी स्विच के लिए भी यूज करते हैं, डीपी स्विच। ये वाला जो सिंबल है वो स्विच्ड फ्यूज यूनिट के लिए यूज करते हैं, स्विच्ड फ्यूज्ड और कनेक्शन यूनिट भी बोल सकते हैं या फिर एस पर यूनिट भी बोलेंगे, एस पर यूनिट। ये वाला जो है ये अनस्विच्ड है, अनस्विच्ड फ्यूज्ड एस पर यूनिट। ये वाला जो सिंबल है इंडस्ट्रियल सॉकेट के लिए यूज करते हैं, इंडस्ट्रियल सॉकेट जो 3 फेज होता है, सिंगल फेज होता है। उसके बाद ये वाला जो सिंबल है ये वन गैंग वन वे स्विच। वन गैंग मीन्स एक बॉक्स है उसके अंदर एक सिंगल मॉड्यूल की स्विच है जो वन वे पे वर्क करती है, उसे इसका सिंबल ये है। अगर ऐसा है तो टू गैंग है, मीन्स एक बॉक्स में दो स्विचेज है और वो भी वन वे है, वन वे स्विच। इस तरह से थ्री है तो थ्री गैंग हो जाएगी, वन वे स्विच। हमारा नेक्स्ट है
इस तरह के सिंबल, इस तरह के सिंबल किसके लिए होता है? थ्री फेज आइसोलेटर के लिए, थ्री फेज आइसोलेटर। इस तरह की जो है वो सिंगल फेज आइसोलेटर के लिए यूज करते हैं, सिंगल फेज आइसोलेटर। ये वाला जो सिंबल है वो किसके लिए यूज करते हैं? शेवर सॉकेट के लिए यूज करते हैं, शेवर सॉकेट जो हमारी वॉशरूम में लगी रहती है। ये वाली जो है सीसीयू, ये कुकर कंट्रोल यूनिट बोलते हैं, कुकर कंट्रोल यूनिट। ये जो राउंड वाली है ये हमारी टंगस्टन लाइट जो होती है, टंगस्टन लाइट, ये सीलिंग, सीलिंग माउंटेड। अगर इस तरह का दिया हुआ है तो सेम चीज़ है, टंगस्टन लाइट है लेकिन ये वॉल माउंटेड है। लेकिन अभी ज़्यादातर जितनी सारी ड्राइंग्स बनती है उसमें स्पेशल सिंबल होती है उस लाइट की, तो वो हम लोग फॉलो करते हैं। ये वाली जो लाइट है ये ट्यूब लाइट है, जो ट्यूब लाइट जो ये सीलिंग में होती है, इस तरह से अगर रहता तो वो क्या हो जाता? वॉल माउंटेड। ओके, नाउ ये जो हमने बताया ये है टू वे, क्योंकि ये टू वे है और ये सिंगल है, तो सिंगल गैंग, वन गैंग स्विच। इसमें क्या होता है कि टू वे स्विच मतलब कि आप ऑन ऑफ भी कर सकते हैं और दूसरे एरिया से भी ऑन ऑफ कर सकते हैं, वो इसमें फंक्शन होती है। जैसे स्टेयर केस में यूज करते हैं टू वे, तो अगर डाउन लेवल से ऊपर की तरफ गया तो डाउन लेवल में ऑन कर दिया, फिर ऊपर छत पे या फिर दूसरे फ्लोर पे पहुंचने के बाद वहाँ पे भी एक स्विच होगी तो वहाँ से ऑफ कर सकता है। ये इस तरह के स्क्वायर बॉक्स है नीचे, ये इसके अंदर थ्री ब्लेड्स लगे हुए हैं, तो ये एक्सट्रैक्ट फैन, एग्जॉस्ट फैन बोलेंगे इसको, एग्जॉस्ट फैन। इस तरह के राउंड में है तो ये सीलिंग फैन या जो भी फैन होता है, टेबल फैन उसको बोल सकते हैं। ये जो है ये जो कुकर का जो स्विच है ना, कुकर कंट्रोल यूनिट, उसका जो लो लेवल में जिधर आउटलेट लगाते हैं, कुकर आउटलेट, उसका सिंबल। और लास्ट में इस तरह का सिंबल ये ग्राउंड का है, मींस अर्थ कनेक्शन, अर्थ कनेक्शन। तो ये हमारी लीजेंड है, तो इससे भी पूछा जाता है क्वेश्चन। तो आई होप ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक के लिए फिर मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगा, देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।